नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आप सबको लेके आ रहा हूं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहा जाता है कि नैमिषारण्य इस पृथ्वी की सबसे पवित्र भूमियों में से एक है। नैमिषारण्य का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और नैमिषारण्य के इस व्यास गद्दी पर बैठकर ही व्यास मुनि ने पुराणों की रचना की थी और इसका और महात्म्य हम जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। तो सर प्लीज इसके बारे में कुछ बताएं। जय श्री राम। नमस्कार, मैं ऋषभदेव शास्त्री, व्यासपीठ संरक्षक। आज पार्थ भाई नैमिषारण्य पधारे हैं, इस भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, हमारे सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन और नैमिषारण्य की भूमि से शुभाशीष। आप जो पीठ देख रहे हैं ये विश्व की सर्वोच्च ज्ञान पीठ कहलाती है। इस पीठ पर भगवान वेदव्यास जी महाराज ने बैठ करके अष्टादश पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, सत्यनारायण व्रत कथा जैसे ग्रंथ की रचनाओं को संपादित करते हुए सांसारिक जीवों के कल्याण की कामना से ऋषि परंपरा को प्रारंभ करते हुए अपने शिष्य जैमिनी, वैशंपायन, अंगिरा, पैद आल महर्षियों को एक एक वेद का अध्ययन कराते हुए सूत जी महाराज को सभी शास्त्रों का ज्ञानोपदेश प्रदान किया और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञानोपदेश देकर के व्यास जी महाराज पुनः बद्रिकाश्रम पधारे। आप जो ये विशालतम वृक्ष देख रहे हैं ये 5098 वर्ष का प्राचीन वृक्ष है। इसकी वृक्ष के नीचे व्यास जी महाराज के प्रथम शिष्य जैमिनी जी ने अपनी शिष्य परंपरा को प्रारंभ किया था। जैमिनी महर्षि को भगवान वेद व्यास जी महाराज ने सामवेद का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। सामवेद अर्थात गायन की विद्या, जो संगीत विद्या कहलाती है, इसका मूल प्रादुर्भाव भगवान जैमिनी जी महाराज ने इस भूमि से प्रदान किया था। आज सांसारिक जीव जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं ये वो मूल उद्गम स्थली संगीत महाविद्या की है। नैमिषारण्य की भूमि ये विश्व विख्यात भूमि कहलाती है। शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, सतयुगे नैमिषारण्ये त्रेतायां च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। चार युगों की चार प्रधान तीर्थों का जो वर्णन किया है शास्त्रों ने, इसमें सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य कहलाता है। नैमिषारण्य की भूमि पूर्व काल में ऋषियों ने इस भूमि की खोज के लिए ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किया था कि भगवान आने वाले समय में कलयुग जब प्रवेश करेगा तो कलयुग अपना प्रभाव रखेगा, भगवान हमें कोई ऐसी पवित्र भूमि बताएं जहां कलयुग का प्रवेश तो हो परंतु उसका साम्राज्य न हो। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र की उत्पत्ति की थी, यह चक्र ब्रह्म मनोमय चक्र कहलाया और ब्रह्मा जी ने बताया, हे ऋषियों, एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टम विसर्जते। ये मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ जो चक्र है इसके आप लोग अनुयायी बने, ये चक्र ही आप लोग को वह पवित्र भूमि बताएगा। इस भूमि पर एक तीर्थ है जिसका नाम चक्र तीर्थ कहा जाता है। इस चक्र तीर्थ की विशेषता यही है कि यह चक्र जो गिरा है ये ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ ब्रह्म मनोमय चक्र कहलाता है। इसी चक्र के द्वारा इस भूमि की खोज की गई। ऋषियों को ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ते समय बताया था, एतन मनोमयम चक्रम वया सृष्टम विसृज्यते, यत्र नेमि यत्र सीजते तदवनम नैमिषम। इसकी नेमि जहाँ शीर्ण होगी वह भूमि नैमिषारण्य कहलाएगी। पूर्व काल में शास्त्रों ने इस भूमि का नाम वर्णित किया हुआ है, इस भूमि का नाम पूर्व काल में था गंगावर्त। इस गंगावर्त नाम की भूमि की जो नामकरण संस्कार पुनरावृत्ति में किया गया नैमिषारण्य, यही इसकी खोज इन 88,000 महर्षियों के एक समागम ने ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न इस चक्र से इस भूमि की खोज की थी, जो आज संसार में मध्यवर्ग भूमि कहा जाता है। ये संसार की मध्य भूमि कही जाती है। जैसे इस मानव देह में उदर का भाग मध्य भाग कहा जाता है, ऐसे ही शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है कि पितरों की निमित्त पितृभूमि भी है उदर भाग में, मध्य भाग नैमिषारण्य की भूमि है। प्रथम चरण गया बौद्ध गया बिहार में, जहाँ पितरों के चरण की पूजा की जाती है। नाभि गया नैमिषारण्य, जहाँ पितरों के उदर की पूजा होती है। और कृपाली गया अर्थात शीश की जो पूजा है हमारे पितरों की, वो बद्रीनाथ धाम। यहाँ से बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु ने गयासुर के शीश को विराजमान किया हुआ है। वहां से पितरों की पूजा करने के बाद हमारे पितर देवलोक को प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान वेदव्यास जी महाराज ने गरुड़ पुराण के अंतर्गत बताया है।
यह वह उत्तम पवित्र भूमि। इसका वर्णन परमादरणीय तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरित मानस में बालकांड के 144 दोहे पर अंकित किया हुआ है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में उत्तम तीर्थ पवित्र भूमि, अति पवित्र भूमि का वर्णन जो आया है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत, यह भूमि पुनीत मात्र नहीं है, यह यद्यपि अति पुनीत भूमि कही जाती है। ऐसी पवित्र भूमि पर जहाँ पे हमारे आज की जो तिथि है, जहाँ आज प्रभु राम के मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, उन प्रभु राम के जन्म की भी मूल कारण भूमि ये नैमिषारण्य की भूमि है, जहाँ पे मनु और शत्रुपाजी ने 23,000 वर्ष निरंतर तपश्चर्या करने के बाद निराकार ब्रह्म को साकार स्वरूप में प्रकट किया था और उनसे वरदान की प्राप्ति की थी, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ये मनु और शत्रुपा दूसरे जन्म में अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या हुए। यहाँ प्रभु ने अपने अंशों के सहित अवतार लिया था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो जन्म मूल भूमि है वो नैमिषारण्य की भूमि, जहाँ आज आप सब खड़े हुए हैं, ऐसी 4 कदम की दूरी पर वो स्थान भी सुरक्षित है, जिसका भी आप सब लोग दर्शन लाभ लें। नैमिषारण्य की भूमि से आप सभी को पुनः पुनः शुभाशीष, और पार्थ भाई को भी और आपके साथ जो टीम आई हुई है उन सभी को शुभाशीष प्रदान करते हुए और भगवान व्यास जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का ये जो चैनल है और दिनों दिन उत्तम गति को प्राप्त हो, और गतिवान होकर के पुनः बड़ी सी टीम लेकर के आप लोग फिर नैमिषारण्य आए, जहां मैं आपको अपना समय दे सकूं, ऐसे समय में आए और यहां से गुप्त और वस्तुएं हैं वो आपको मैं प्रकाशित करूं, जिससे सभी दर्शकों को और श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ प्राप्त हो और जिसका श्रेय आपको भी प्राप्त हो। मैं बारंबार पुनः व्यास भगवान को प्रणाम वंदन करते हुए आप सभी को शुभाशीष प्रदान करते हुए वाणी को विश्राम। जय श्री राम, जय श्री व्यास भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सर द्वारा यहाँ की नैमिषारण्य की पवित्र तीर्थस्थली का विस्तृत वर्णन आपने सुना। तो फिर मिलते हैं एक नए तीर्थस्थान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।